हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर के खूबसूरत पर्यटक स्थलों के बारे में। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध इस शहर में पर्यटकों की सैल पहल हमेशा देखने को मिलती है। जोधपुर के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से नंबर 10 पे आता है माचिया जैविक उद्यान। माचिया जैविक उद्यान शहर की बाहरी सीमा पर स्थित है। ये काफ़ी बड़ा जैविक उद्यान है। यहाँ पर जंगली जानवरों की देखभाल की जाती है। अगर आप फोर व्हीलर पे भी अंदर घूमना चाहते हैं तो अंदर मिल जाती है रेंट पे, ताकि आप आसानी से सैर कर सकें। नंबर 9 पर आता है कायलाना झील। कायलाना झील एक मानव निर्मित झील है। यह झील जोधपुर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस झील को सन 1872 में प्रताप सिंह जी के आदेश पर बनाया गया। यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को अत्यंत ही पसंद आता है। नंबर 8 पर आता है घंटाघर। घंटाघर एक क्लॉक टावर है। घंटाघर का निर्माण महाराजा सरदार सिंह जी ने करवाया था। जोधपुर के सबसे ज़्यादा चहल पहल इलाके में स्थित घंटाघर 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। घंटाघर के आसपास काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है। नंबर 7 पर आता है तूर जी का झलरा। तूर जी का झलरा 18वीं शताब्दी में बनाई गई एक पानी की बावड़ी है। ये जोधपुर के गुलाब सागर के पास स्थित है। ये जगह भी पर्यटकों को काफ़ी पसंद आती है। नंबर 6 पे आता है चामुंडा माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने सन 1460 में किया था। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को रक्षा कवच मानते हैं। दशहरा और नवरात्रि के समय मंदिर में काफ़ी रौनक रहती है। नंबर 5 पे आता है मंडोर गार्डन। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। मंडोर गार्डन का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में हुआ। मंडोर गार्डन पर्यटकों के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। नंबर 4 पे आता है उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस साल 1943 में बनकर तैयार हुआ था। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर के शाही परिवार का निवास है। इस इमारत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग में 5 सितारा होटल, दूसरे में संग्रहालय बना है जहां आप शहर की रोचक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरे भाग में शाही निवास स्थान है। नंबर 3 पे आता है जसवंत थाड़ा। जसवंत थाड़ा महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय को समर्पित स्मारक है। इस स्मारक को संगमरमर से बनाया गया है। यहाँ पर की गई कारीगरी काबिले तारीफ है। यहाँ पर अक्सर लोक संगीत कार्यक्रम होते रहते हैं। जसवंत थाड़ा पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। नंबर 2 पे आता है नेहरू पार्क। नेहरू पार्क जोधपुर का सबसे लोकप्रिय पार्क है। यहाँ पर काफ़ी लोग परिवार के साथ सैर करने आते हैं। 14 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क पर्यटकों की पहली पसंद है। नेहरू पार्क का शुभारंभ 1966 में किया गया था। नंबर 1 पर आता है जोधपुर की शान मेहरानगढ़ किला। सित्तर की पहाड़ी पर बना ये विशाल किला, इसका निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के निर्देश पर साल 1449 में हुआ। जोधपुर की मुख्य पहचान मेहरानगढ़ किले से होती है। किले के अंदर बने फूल महल और शीश महल काफ़ी सुंदर स्थान हैं। उम्मीद है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई सूर्य नगरी जोधपुर की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।